नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं खास खबर। बॉलीवुड में ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इस केस में अब बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल भी एनसीबी की रडार में हैं और एजाज खान भी एनसीबी के हत्थे चढ़ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक एनसीबी को कई ऐसी जानकारियां हासिल हुई हैं जिससे अर्जुन रामपाल बुरी तरह से फंस सकते हैं। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि एजाज खान के संबंध एक कुख्यात ड्रग्स गैंग से बताए जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। एनसीबी की रडार पर एजाज खान, अर्जुन रामपाल को बताया संदिग्ध, घंटों पूछताछ के बाद एजाज गिरफ्तार। क्या हो सकता है और नामों का खुलासा। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद शुरू हुई एनसीबी की जांच अभी तक जारी है। इस केस में एनसीबी लगातार एक्शन मोड में नजर आती है। बड़े बड़े सितारों के नाम इस केस में सामने आ चुके हैं, लेकिन अब एनसीबी की गाज एजाज खान पर गिरी है। जी हां, बॉलीवुड ड्रग्स केस में एक्टर एजाज खान को मंगलवार को हिरासत में लेकर की गई लंबी पूछताछ के बाद आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक एजाज से इस मामले पर लंबी पूछताछ की गई थी, जिसके बाद एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया। एनसीबी को पटाटा गैंग के साथ बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करने के सबूत भी मिले हैं। बॉलीवुड केस को लेकर एनसीबी ने मंगलवार को एजाज खान को हिरासत में लिया था। दरअसल एजाज कुछ दिनों के लिए शूट के लिए राजस्थान में थे। वहां से उनके मुंबई लौटते ही एनसीबी की टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। वो इससे पहले साल 2018 में भी प्रतिबंधित दवाओं को लेकर गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं एनसीबी सूत्रों का कहना है कि एजाज खान को और मुंबई में ड्रग्स के सबसे बड़े सिंडिकेट यानी कि बटाटा गैंग के बीच लिंक मिले हैं। ड्रग्स माफिया फारूक बटाटा के बेटे शादाब बटाटा और उसके साथी शाहरुख खान से पूछताछ में सामने आया था, जिन्हें पिछले शुक्रवार को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। दोनों ने पूछताछ में बताया था कि इनके ड्रग्स गिरोह में एक्टर एजाज खान भी शामिल हैं, जो बॉलीवुड में ड्रग्स की सप्लाई करता है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि एक्टर किसी विवाद में फंसे हों। इससे पहले वो बीते साल फेसबुक पर एक विवादित वीडियो पोस्ट करने की वजह से गिरफ्तार किए गए थे। उस समय उन्हें धारा 153 ए सेक्शन के तहत गिरफ्तार किया था, जबकि बिग बॉस में वो गौहर खान को बहुत पसंद करते थे और ये उन्होंने शो के दौरान ही कहा था। इतना ही नहीं, एनसीबी ने कल अभिनेता अर्जुन रामपाल के घर पर भी छापेमारी की थी और इस छापेमारी के दौरान एनसीबी के अधिकारियों ने उनके घर से कुछ दवाएं भी जब्त की हैं। एनसीबी ने हाल ही में चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें अर्जुन रामपाल को अब भी सस्पेक्ट मानती है। चार्जशीट के अनुसार मुंबई एनसीबी ने 3 दिसंबर 2020 को पब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका के काउंसलेट जनरल को लेटर लिखा था, जिसमें कहा गया था कि एनसीबी ने जिस मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था, उसी मामले में अर्जुन रामपाल भी एक सस्पेक्ट है और एनसीबी को शक है कि वो भारत छोड़कर भाग सकते हैं और इस देश से भागकर वो साउथ अफ्रीका में जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक अर्जुन रामपाल ने एनसीबी को बताया कि उनके घर से जो दो तरह की टैबलेट मिली है, उनमें से एक टैबलेट उनके कुत्ते की थी, जिसको वेटरनरी के एक एक्सपर्ट डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था। साथ ही जो दूसरी टैबलेट मिली थी, वो टैबलेट उनकी बहन की थी, जिसे दिल्ली के एक साइकेट्रिस्ट ने उनके एंग्जाइटी की समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रिस्क्राइब किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। बॉलीवुड में ड्रग्स केस में जिस तरह से एनसीबी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, उससे हो सकता है कि आने वाले समय में कई और नामों का खुलासा भी हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।